फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनी गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हुई है और गर्मी स्टार्ट होने से पहले फ्रेंड्स मैंने अपने जो अडेनियम का प्लांट है उसके ऊपर मैंने काफी अच्छी खाद दी थी। और इसके लिए फ्रेंड्स मैं आज आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपके अडेनियम पे इस तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, तो आप भी फ्रेंड्स अपने अडेनियम पे ये जो खाद है वो आप डाल सकते हैं और अपने जो अडेनियम है उस पर इस तरीके से भर भर के फ्लावर ले सकते हैं। तो मेरे पास में फ्रेंड्स चार अडेनियम के प्लांट है। ये वाला मैं लोकल नर्सरी से खरीद के लाई थी और इसका कलर काफी अच्छा लगा था फ्रेंड्स मुझे, तो मैंने ये परचेस कर लिया था। और ये सारे जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये डबल पैटर्न है, ये सिंगल पैटर्न देसी है फ्रेंड्स, और ये डबल पैटर्न हाइब्रिड है। तो इस तरीके से मेरे पास में तीन जो अडेनियम देख रहे हैं आप, ये दो है मेरे पास में, एक है जो बालकनी में रखा हुआ है फ्रेंड्स, उस पे भी काफी भर भर के फूल आ रहे हैं फ्रेंड्स, और मैंने सभी पर एक ही खाद दी थी। तो फ्रेंड्स इस जो प्लांट है उसके ऊपर मैं खाद देना भूल गई थी क्योंकि मुझे ध्यान नहीं रह पाया था, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही इस पर दी हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो गई है। और इस पे तकरीबन फ्रेंड्स मैंने इन बाकी के तीन प्लांट पे मैंने काफी अच्छे से इस पे जो मेरी फर्टिलाइजर है वो दी थी, तो ये अभी इतनी अच्छी ब्लूमिंग कर पा रहे हैं। तो जो अडेनियम का प्लांट होता है फ्रेंड्स, वो अडेनियम के प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, इसके लिए जो फेवरेट जो खाद होती है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, बोन मील, हॉर्न मील और जो हमारा डीएपी। तो फ्रेंड्स ये तीनों चीजों का मैंने मिक्सर करके इसमें डाला था। इसमें थोड़ा सा बोन मील आप डाल दीजिए, थोड़ा सा हॉर्न मील डाल दीजिए, आप डीएपी डाल दीजिए, उसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, वर्मी कंपोस्ट बेस्ट होता है। इसको गोबर की खाद बहुत पसंद होती है फ्रेंड्स, अगर आप गोबर की खाद इसमें यूज कर लेंगे तो ये काफी अच्छा फ्लावर दे देगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें जो फ्लावर सूख जाते हैं आप उसको हटा सकते हैं ताकि नए नए फ्लावर खिल सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, और देखिए इसके पीछे फिर एक कली इधर आ रही है और यहाँ पर भी कलियां आ रही हैं। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स दो ही प्लांट रखे हैं क्योंकि मेरे जो बाकी के प्लांट है जो अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा था फ्रेंड्स, उसको गिलहरी खा रही थी, तो इसलिए मैंने उसको बालकनी में शिफ्ट कर दिया है। तो ये एक देसी है फ्रेंड्स देखिए, और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट ही हुई है और कितनी प्यारी लग रही है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से भी अभी तो स्टार्ट हुई है और यहाँ से भी हुई है, और देखिए फ्रेंड्स फ्लावर का साइज देख सकते हैं आपके फ्लावर का साइज और कलर। स्पेशली कलर और साइज के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये खाद काफी आपको बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट आपको पता चल जाएगा अगर आप इस पर डालेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं बता रही हूं फ्रेंड्स आपको, कि अगर आप गमले के अकॉर्डिंग अगर आप बनाते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इतने बड़े गमले में और इतने बड़े गमले में अगर डालनी है तो इन आपके पास में जितने भी उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप एक मुट्ठी भर के मैं कहूं तो इस तरीके से फ्रेंड्स कि इतनी मुट्ठी भर के आप बोन मील ले लीजिए, इतनी ही हॉर्न मील ले लीजिए, और डीएपी के आप 5 से 6 दाने रख लीजिए फ्रेंड्स, और डीएपी के एक पॉट के हिसाब से 5 से 6 दाने हो जाएं तो आप उसको 2 से 4 चम्मच के करीब रख लीजिए, और फिर उसमें 1/2 किलो वर्मी कम्पोस्ट मिला के आप इसको साइड से इस तरीके से खोद के इस तरीके से फ्रेंड्स, और इस जो खाद है उसको इसमें आप डाल सकते हैं, और डालने के तुरंत बाद आप पानी दे दीजिए फ्रेंड्स। तो आप हर 15 दिन में आप इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स, और ये काफी ज्यादा आपके जो अडेनियम का प्लांट है उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा फ्रेंड्स, और काफी ज्यादा बड़े फ्लावर आएंगे और जो फ्लावर का कलर है फ्रेंड्स वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए मेरे जो प्लांट है उसमें काफी ज्यादा खूबसूरत फूल निकल कर आए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और जो दूसरा जो फ्लावर प्लांट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी अभी स्टार्ट हुई है कलियां आना, और ये काफी अच्छे से स्टार्ट भी हो जाएगी और काफी ज्यादा इसमें फ्लावरिंग और ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से भी निकल रही फ्रेंड्स, मतलब कि सब दूर पूरा आपका छोटा सा अडेनियम का प्लांट है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से भी निकल रही है। तो इस तरीके से आप ये वाली खाद अगर अपने प्लांट में देंगे फ्रेंड्स, तो आपके जो प्लांट है उसमें काफी ज्यादा फ्लावर आएंगे, और अभी तो ये गर्मी स्टार्ट हुई है तो आप जरूर इसको यूज करिए फ्रेंड्स। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नई वीडियो में किसी नई प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।